बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो आज आपके पास टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है, कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन क्या होती हैं। सबसे पहले आपके पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि आप दो नंबर्स को आपस में ऐड करें, अगर आप उसको इंटरचेंज भी कर लें तो आंसर आप लोगों के पास आता है, सेम आता है। हम एग्जांपल करते हैं कि आपके पास a प्लस बी है इज इक्वल टू, अगर हम इनको इंटरचेंज कर लें b प्लस ए भी कर लें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा, सेम आएगा। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 कर लें तो आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा, 5 ही आएगा। आप लोगों ने नंबर्स की पोजीशंस चेंज कर दी है तो आप लोगों के पास आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन नंबर्स आ जाते हैं, ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। हम यहाँ पे हम जस्ट ब्रैकेट्स को चेंज कर लेते हैं। पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ब्रैकेट्स हैं वो लास्ट वाली दो पे हैं और यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं वो फर्स्ट दो पे हैं, कि हमने जस्ट जो ब्रैकेट्स का ऑर्डर है वो भी अगर हम चेंज कर लें तीन नंबर में तो आपके पास आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपके पास हमने एक एग्जांपल की हुई है, एग्जांपल आपके पास क्या है, 2 प्लस इंटू 3 प्लस 4। अब हमने ब्रैकेट्स लास्ट वाले जो सेकंड एंड थर्ड पे ब्रैकेट थी वो हमने 2 एंड फर्स्ट पे ब्रैकेट ले आए हैं, 2 प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 4। अब मैथ्स का रूल है, ब्रैकेट आपके पास पहले सॉल्व होती है, 2 अपनी जगह पे, 4 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 7, 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 4, 2 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 9 एंड 5 प्लस 4 इज़ आल्सो इक्वल टू 9। कि आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ए प्लस इंटू बी प्लस सी कर लें या ए प्लस बी इंटू प्लस सी कर लें, आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि हमने जस्ट इंटरचेंज कर लें ब्रैकेट्स को भी, आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपके पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्लियर प्रॉपर्टी है। क्लियर प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, नेचुरल नंबर से रिलेट करती है, कि आपके पास दो नेचुरल नंबर है, आपने एग्जांपल के तौर पर ए भी नेचुरल नंबर है, बी भी आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर को ऐड करो तो आंसर भी हमेशा क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। आप दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हो तो आपके पास आंसर भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लियर प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ वन आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, याद रखें कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो आप किसी भी नंबर में ऐड कर लें आपके पास आंसर रिमेन सेम रहता है। जीरो प्लस थ्री कर लें तो आंसर थ्री आएगा, फोर प्लस जीरो कर लें तभी आंसर आपके पास फोर ही आएगा। आप जीरो को 10 लाख में भी ऐड कर लें, 10 मिलियंस में ऐड कर लें तो आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, कि जीरो आप किसी भी नंबर में ऐड कर लें, जीरो पे उस पे आपके पास आंसर पे वही नंबर आ रहा होता है जो आपके पास क्वेश्चन में आंसर लिखा होता है, जैसे 3 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 3। अब एडिटिव लास्ट प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या होता है, कि वही नंबर होता है, एडिटिव इनवर्स सेम नंबर बट ऑपोजिट साइन। हमें एडिटिव इनवर्स में आंसर ज़ीरो चाहिए होता है, हमें एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, आंसर ज़ीरो चाहिए होता है। अब थ्री है, थ्री का एडिटिव इनवर्स आपके पास माइनस थ्री है, अगर आपके पास कोई नंबर माइनस टेन है, अगर माइनस टेन है तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस टेन होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस टेन होगा। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक कॉमन नंबर लिया, वो ए है, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए होगा, ए प्लस इनटू माइनस ए करेंगे तो तब आपके पास आंसर क्या होगा, जीरो आएगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वही नंबर होता है लेकिन साइन उसका क्या हो रहा होता है, ऑपोजिट होता है, तो इसलिए आपके पास जो एडिटिव इनवर्स होता है, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास हमेशा याद रखिएगा, वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो आप जिस नंबर में भी ऐड कर लें आंसर क्या होता है, वही आता है। लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स आपको आंसर ज़ीरो चाहिए होता है,
एडिटिव इनवर्स वही नंबर होता है, लेकिन आपके पास उसका साइन क्या होता है, चेंज होता है।